एक साधारण व्यक्ति से लेकर देश का टॉप सेलिब्रिटी और एक खूंखार क्रिमिनल से लेकर एक रुतबेदार नेता तक सब लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कांपते हैं। लेकिन इस वक्त इस देश में मात्र एक नेता निकलकर सामने आया है जिसने अपनी जान की परवाह ना करके लॉरेंस बिश्नोई को ललकारते हुए कहा है कि कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष शिंदे सरकार पर हमलावर है कि जब इतने बड़े नेता की हत्या हो सकती है तो राज्य में जनता कितनी सुरक्षित होगी। इस बीच बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस को खुली चुनौती दी है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि यह देश है या हिजड़ों की फौज। एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, लेकिन सभी मुखदर्शक बने हुए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि लॉरेंस ने कभी मूसे वाले को मरवा दिया तो कभी करनी सेना के मुखिया को मरवाया और अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। अगर कानून इजाजत दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। बता दें कि इससे पहले पप्पू यादव ने जो पोस्ट किया था उसमें बाबा सिद्दीकी को बिहार का बेटा बताया था। दरअसल बाबा सिद्दीकी बिहार के ही रहने वाले थे और बाद में मुंबई जाकर अपनी राजनीति शुरू कर दी थी। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र में महाजंगल राज बताया है। गौरतलब है कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार देर रात मुंबई के बांद्रा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बिश्नोई गैंग ने सलमान खान और दाऊद इब्राहिम के करीबियों को धमकी भी दी है। उसने कहा है कि ऐसे लोग अपना हिसाब किताब रखना ना भूले। फिलहाल पप्पू यादव चर्चा में बने हुए हैं, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए जनहित टाइम्स।